नमस्कार साथियों, हम भरतपुर जिला दर्शन के बारे में बात कर रहे थे, तो आज हम पार्ट टू के बारे में बात करेंगे। जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको हम सॉल्व करते जाएंगे, जो आगामी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स चाहे रीट, पटवार, एलडीसी, सीईटी, आरएस, आरएस मेंस, यहाँ तक कि बड़े लेवल के जो भी एग्जाम्स हैं वो भी होंगे, उनमें भी राजस्थान का जो पार्ट है वहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जिला दर्शन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जिला दर्शन के अंतर्गत हम इतिहास, कलाएँ, संस्कृति, जो भी अर्थव्यवस्था वगैरह या पर्यटन स्थल जो भी कुछ भी है, इतिहास वगैरह, वो हम सोल्व करते जाएंगे ताकि आपके ऑल ओवर यहाँ पर कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो आज हम बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो ये सीरीज़ आपको डेली सुबह 10 बजे डेली मिलती रहेगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आता है कि लॉर्ड लेक का वाटरलू किस दुर्ग को कहा जाता है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड लेक का वाटरलू किस दुर्ग को कहा जाता है। ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन ए है लोहागढ़, ऑप्शन बी बयाना, ऑप्शन सी आमेर, ऑप्शन डी तिमनगढ़। तो लॉर्ड लेक का जो वाटरलू जो है वो उस दुर्ग को कहा जाता है जिस दुर्ग का नाम है लोहागढ़। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, लोहागढ़। ठीक है, लॉर्ड लेक का वाटरलू किस दुर्ग को कहते हैं, तो लोहागढ़ को कहा जाता है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न आता है दूसरा, भरतपुर के बयाना दुर्ग को किस अन्य नाम से जाना जाता है। भरतपुर का जो बयाना दुर्ग है उसको किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन ए है विजयगढ़ दुर्ग, ऑप्शन बी बादशाह दुर्ग, ऑप्शन सी वाणासुर दुर्ग, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो देखिए, जो भरतपुर का जो बयाना दुर्ग है उसको माना जाता है और उसको कहा जाता है कि ये विजयगढ़ दुर्ग है, ये बादशाह दुर्ग है और वाणासुर दुर्ग है, तो ये इसके उपनाम हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि सभी इसके नाम हैं, तो उपरोक्त सभी इसके महत्वपूर्ण नाम हैं। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि भरतपुर में कौन सी सभ्यता घना पक्षी अभयारण्य में स्थित है। तो देखिए, ऑप्शन ए श्रीपंथ सभ्यता, ऑप्शन बी दस सभ्यता, ऑप्शन सी नौह सभ्यता, या ऑप्शन डी मलाह सभ्यता। ये जो प्रश्न है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अधिकतर जो लड़के स्टूडेंट हैं उनको ये पता नहीं रहता है। तो भरतपुर में कौन सी सभ्यता घना पक्षी अभयारण्य में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा मलाह सभ्यता, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है मलाह सभ्यता, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा घना पक्षी अभयारण्य का। ठीक है, नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि अकबर का मृगया महल कहाँ स्थित है। देखिए, अकबर का जो मृगया महल है वो कहाँ पर स्थित है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज दिन तक कंप्यूटर एग्जाम्स में ये पूछा नहीं गया, लेकिन अब पूछा जाएगा। ठीक है, तो अकबर का जो मृगया महल है वो कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है कुम्हेर, ऑप्शन बी रूपवास, ऑप्शन सी डिग, ऑप्शन डी कामा। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रूपवास। रूपवास में अकबर का जो मृगया महल है वो स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं, हरिराम बाबा का मेला कहाँ पर भरता है। हरिराम जो बाबा है उनका मेला कहाँ पर भरता है। तो ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी भरतपुर, ऑप्शन सी टोंक, ऑप्शन डी बांसवाड़ा। तो हरिराम बाबा जो है उनका संबंध भरतपुर से है, तो इनका मेला भी भरतपुर में ही भरता है। ठीक है, तो भरतपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भरतपुर के कामा कस्बे को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, भरतपुर का जो कामा कस्बा है उसको प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था। ऑप्शन ए चंद्रपुर, ऑप्शन बी श्यामपुर, ऑप्शन सी ब्रह्मपुर, या ऑप्शन डी आशापुर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मपुर। ठीक है, ब्रह्मपुर के नाम से कामा कस्बे को जाना जाता था। लोहागढ़ दुर्ग का प्रवेश द्वार अष्ट धातु का है, यह दरवाज़ा जवाहर सिंह कहाँ से लेकर आए थे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, लोहागढ़ दुर्ग का जो प्रवेश द्वार है अष्ट धातु का बना हुआ है, यह दरवाज़ा जो जवाहर सिंह जो है वो कहाँ से लेकर के यहाँ पर लगाया था। ऑप्शन ए झालावाड़ से, ऑप्शन बी लाल किले से, ऑप्शन सी फतेहपुर सिकरी से, या ऑप्शन डी जोधपुर से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लाल किले से। ठीक है, तो यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, अष्ट धातु का जो दरवाज़ा लगा हुआ है लोहागढ़ दुर्ग का, जो एक महत्वपूर्ण दरवाज़ा है, यह जवाहर सिंह लाल किले से लेकर के आए थे। भरतपुर में सांसी जनजाति का मुखिया क्या कहलाता है। देखिए, भरतपुर में जो सांसी जनजाति है उसका बाहुल्य क्षेत्र है, तो उसका जो मुखिया होता है सांसी जनजाति में वो क्या कहलाता है। ऑप्शन ए है पंच, ऑप्शन बी सरदार, ऑप्शन सी पटेल, ऑप्शन डी आपके सामने है रक्षक। तो जल्दी से इसका भी आप भी आंसर बता सकते हैं। तो भरतपुर में जो सांसी जनजाति है उसका मुखिया कहलाता है सरदार नहीं पटेल कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। सरदार किसका कहलाता है ये आप बताना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा पटेल। ठीक है, सांसी जनजाति जो है उसका मुखिया पटेल कहलाता है और सांसी जनजाति संबंधित है भरतपुर जिले से। नेक्स्ट, भरतपुर जिले के किस दुर्ग को पूर्वी सीमा का प्रहरी भी कहा जाता है। देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है, भरतपुर जिले के किस दुर्ग को पूर्वी सीमा का प्रहरी कहा जाता है। ऑप्शन ए बयाना दुर्ग, ऑप्शन बी लोहागढ़ दुर्ग, ऑप्शन सी कुम्हेर दुर्ग, या ऑप्शन डी डिग का किला।
तो जल्दी से आप भी इसका राइट आंसर बता सकते हैं कि भरतपुर जिले के किस दुर्ग को पूर्वी सीमा का प्रहरी दुर्ग कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी लोहागढ़ दुर्ग। लोहागढ़ दुर्ग को पूर्वी सीमा का प्रहरी दुर्ग कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न ले लेते हैं। भरतपुर में रूपारेल नदी को बाढ़ से बचाने के लिए किस बांध का निर्माण किया गया है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, भरतपुर में जो रूपारेल नदी है उसको बाढ़ से बचाने के लिए किस बांध का निर्माण किया गया है? तो ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन ए अजान बांध, ऑप्शन बी सिकरी बांध, ऑप्शन सी शाही बांध या ऑप्शन डी बारेण बांध। तो जल्दी से आप भी इसका राइट आंसर बता सकते हैं। तो भरतपुर में जो रूपारेल नदी है उसको बाढ़ से बचाने के लिए भरतपुर में तो उसको बचाने के लिए सिकरी बांध का निर्माण किया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा सिकरी बांध। ठीक है, तो दोस्तों ये हमने महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात की और नेक्स्ट ऐसे ही पार्ट दिन में आपको दो बार मैं आपको वीडियो देता रहूँगा जिला दर्शन से संबंधित। बाकी के वीडियो आपके आ ही रहे कक्षा 6 से कक्षा 12 के अंतर्गत हमारा राजस्थान और राजस्थान अध्ययन की पुस्तक जो है उससे ऑथराइज क्वेश्चन मैंने उठाए हैं वन लाइनर, तो वो भी आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने सारे इनके प्लेलिस्ट डाली हुई है तो वहाँ से आप इनको विजिट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और नहीं आ रहा है तो क्या कमी रही है ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही पढ़ते रहिए और अपना सपना साकार करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।